नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची गुलियानी और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो आपके शहर की हर खबर पहुंचाए आप तक। कल से आपके जीवन में काफी बदलाव आने वाले हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि सरकार कल से यानी 1 नवंबर से पूरे देश में नए नियम लागू करने वाली है, जिससे आपके जीवन पर काफी असर पड़ने वाला है। रसोई गैस के सिलेंडर से लेकर ट्रेन के टाइम टेबल तक सब कुछ बदलने वाला है। हम आपको यहाँ पर इन सभी बदलावों का सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं, ताकि आप खुद को इन बदलावों के लिए तैयार कर सके। सबसे पहले LPG डिलीवरी सिस्टम बदलेगा। 1 नवंबर से LPG सिलेंडर की डिलीवरी का सिस्टम बदल जाएगा। गैस की डिलीवरी से पहले उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। जब सिलेंडर आपके घर आएगा तो OTP को डिलीवरी बॉय के साथ शेयर करना होगा। जब OTP सिस्टम से मैच होगा तभी आपको सिलेंडर की डिलीवरी होगी। अगर कोई ग्राहक अपना नंबर अपडेट कराना चाहता है तो वे डिलीवरी बॉय के पास जाकर एक ऐप के जरिए अपना नंबर भी तत्काल अपडेट करा सकता है। उसके बाद इंडेन गैस नंबर बदलेगा। 1 नवंबर से इंडेन ग्राहकों के लिए गैस बुक कराने का नंबर बदल जाएगा। इंडियन ऑयल ने बताया कि पहले रसोई बुकिंग के लिए देश में अलग अलग नंबर दिया गया था। उसके बाद इंडेन गैस बुकिंग नंबर बदलेगा। 1 नवंबर से इंडेन ग्राहकों के लिए गैस बुक करने वाला नंबर बदल जाएगा। इंडियन ऑयल ने बताया कि पहले रसोई गैस बुकिंग के लिए देश में अलग अलग मोबाइल नंबर होते थे, लेकिन अब देश की सभी पेट्रोलियम कंपनी ने एक ही नंबर जारी कर दिया है। अब देश भर में ग्राहकों को LPG सिलेंडर बुक कराने के लिए एक ही नंबर पर कॉल या SMS भेजना होगा। उसके बाद SBI बचत खातों पर कम ब्याज मिलेगा। 1 नवंबर से SBI के कुछ अहम नियमों में बदलाव किया जा रहा है। SBI के बचत खातों पर कम ब्याज मिलेगा। बता दें कि 1 लाख रुपए से ज्यादा की जमा पर अब रेपो रेट के अनुसार ब्याज मिलेगा। उसके बाद डिजिटल पेमेंट की बात करें तो डिजिटल पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। अब 1 नवंबर से 50 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर के कारोबारियों पर डिजिटल पेमेंट लेना अनिवार्य होगा। RBI का यह नियम भी 1 नवंबर से ही लागू किया जाएगा। नई व्यवस्था के मुताबिक ग्राहक से डिजिटल पेमेंट के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह नियम सिर्फ 50 करोड़ रुपए से ज्यादा वाले टर्नओवर पर ही लागू होगा। उसके बाद महाराष्ट्र में बैंक का टाइम टेबल बदला। 1 नवंबर से महाराष्ट्र में बैंकों का नया टाइम टेबल लागू होने जा रहा है। अब राज्य में सभी बैंक एक ही समय पर खुलेंगे और एक ही समय पर बंद होंगे। महाराष्ट्र में सभी बैंक सुबह 9 बजे से खुलकर शाम को 4 बजे बंद हो जाएंगे। ऐसे ही तमाम खबर देखने के लिए देखते रहें दिल्ली दस्तक।